आजमगढ़ में ट्रिपल मर्डर। पति पत्नी और बच्ची की हत्या। दो बच्चों को भी किया घायल। किसने खेला ये खूनी खेल? क्यों अंजाम दी खौफनाक वारदात? आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र का ये घर, जहां सोमवार की सुबह एक ही परिवार के तीन शव मिलने से सनसनी फैल गई। इब्राहिमपुर भरौली गांव में ये घर बस्ती से थोड़ा अलग बसा हुआ था। इस घर में एक दंपति अपने तीन बच्चों के साथ रह रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि परिवार पर मौत ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं। अचानक से घर में पति पत्नी और चार महीने की बेटी की निर्मम हत्या की खबर इलाके में फैल गई। देखते ही देखते आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हर किसी के जहन में यह सवाल कौंध रहा था कि इस परिवार को क्यों किसी ने अपना शिकार बनाया है, तीन लोगों को किसी ने क्यों बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया है। इस हमले में दंपति समेत चार महीने की बच्ची की जान चली गई, जबकि पांच साल का बेटा और दस साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है। इस खौफनाक खूनी वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस की शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आया है उसके मुताबिक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौली गांव में ये ट्रिपल मर्डर हुआ है। मरने वाले तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। पति पत्नी और चार महीने की बच्ची की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पांच साल का बेटा और दस साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है। महिला का निवस्त्र शव बरामद हुआ, सिर पर चोट के निशान है। दंपति गांव से बाहर ट्यूबवेल पर रहकर रखवाली करते थे। ट्रिपल मर्डर की सूचना ने पुलिस के भी पैरों तले जमीन ही खिसका दी। यही वजह है कि मौके पर फॉरेंसिक विभाग और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई। जर्रे जर्रे की बारीकी से जांच पड़ताल की जाने लगी। इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ हो सकता है, ये पुलिस के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए पुलिस भी हत्यारे का जल्द से जल्द पता लगाना चाहती है। फिलहाल मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये इरफान नाम के जो व्यक्ति है, इनका परिवार यहाँ रहता था। ये भरोलिया इब्राहिमपुर का ही कस्बा लगता है। सुबह के करीब यहाँ जब लोग आए, इनका दरवाजा खुला हुआ था, और जब इनको जो अनीस अहमद जिनके ट्यूबवेल की रखवाली करते थे, उनके द्वारा जब फोन किया गया, फोन नहीं उठा, तो उन्होंने आके देखा तो इनके घर के दरवाजे खुले हुए थे। इसमें इरफान और इनकी पत्नी शादी, ये दोनों सब नीचे पड़े हुए थे। एक बच्ची जो बेड पर पड़ी हुई थी और दो बच्चे इंजर्ड पाए गए। इस खौफनाक वारदात से हर कोई हैरान और परेशान है। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। एक परिवार की जान का भला कौन दुश्मन बना, ये एक बड़ा सवाल है। छोटे बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और महिला का निवस्त्र शव कई सवाल खड़े कर रहा है, जिनके जवाब जानना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। खुर्रम, आजमगढ़, एबीपी गंगा।